20 जुलाई 1990 को बिहार के तेघर गांव में जन्मी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट हीरोइन काजल राघवानी हमेशा अपनी फिल्मों और गानों में एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले यह मराठी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इनकी पहली फिल्म भी मराठी ही थी, लेकिन इन्होंने सुगना फिल्म के जरिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आज यह एक फिल्म के लगभग 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि काजल राघवानी पिछले 3 साल से एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं। जी हां, काजल राघवानी महिलाओं को होने वाली एक गंभीर बीमारी प्लास्टिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जूझ रही हैं। यह एक ओवरी संबंधी बीमारी होती है जिसके कारण लड़कियों के हार्मोन में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में महिलाओं के शरीर में फीमेल हार्मोन की बजाय मेल हार्मोन का स्तर ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसके होने पर अंडाशय में कई गांठें बनने लगती हैं और काजल राघवानी ने एक बार अपने फैंस को एक तस्वीर पोस्ट करके इस बीमारी में होने वाले अलग अलग लक्षणों के बारे में लिखा था कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। एक बार यह बीमारी हो जाने के बाद महिलाओं को हमेशा इसे साथ लेकर चलना पड़ता है। हालांकि सही लाइफ स्टाइल और डाइट इसे मात देने में मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।